गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और द टॉपिक ब्लॉक डायग्राम डिस्क्रिप्शन ऑफ CRO एंड ट्रिगर्ड सुपरवास्कुलोस्कोप। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट EIM इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट। सो यू कैन ज्वाइन, ये सब्जेक्ट रन करता है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच में। तो जो भी इसके स्टूडेंट हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस सेशन। ओके, सो यू विल सी सम कॉन्सेप्ट देन 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके आपको आंसर देना है और लास्ट में हम देखेंगे कितने आपने मार्क किया है। सो जल्दी से ज्वाइन करें, देन वी विल स्टार्ट। सो स्टार्ट सून। जल्दी से ज्वाइन करेंगे। नागेंद्र कुमार, अंजलि यादव, स्वागत है आप लोग का। Join it scene, then we will start. Different different group में share करने, जल्दी से join करेंगे। CRO का फर्स्ट क्लास हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था CRT और आज हम देखेंगे राकेश प्रजापति, नंदिता भारद्वाज, स्वागत है। लोग CRO के बारे में देखेंगे आज। चलिए फिर शुरुआत करेंगे। सो द प्लेलिस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट EIM फॉर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के भी जो स्टूडेंट हैं ज्वाइन कर सकते हैं, रनिंग फॉर UPPT पॉलिटेक्निक कोर्स। ठीक
ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। आप लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 में जा करके देख सकते हैं इसको। दैट इज EIM, सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO, द ट्रिगर्स विथ ऑस्किलोस्कोप एंड फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ CRO। तो ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम सबसे पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट देखेंगे। देन उसके बाद इसमें देखेंगे हम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपका 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको वन बाई वन। तो चलिए फिर थ्योरी शुरू करते हैं। अंजलि यादव, प्रशांत दुबे, प्रभात चौरसिया, तुषार गुप्ता, अमन राजभर, पवन शर्मा, सभी का स्वागत है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर। देखिए तो ये अपना जो है ब्लॉक डायग्राम है, दैट इज ए सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरल पर्पज CRO, जो कि आपके सिलेबस का जो पार्ट है। द कंटेंट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम ए के सावनी। के सावनी बुक से इसको लिया गया है, एके सोनी जो बुक है उनसे ये कंटेंट लिया गया है। CRO के एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम है। तो देखेंगे ये वाला पार्ट हम लोगों ने देख चुका था, CRT वाला पार्ट, कैथोड रे ट्यूब, जो कि हर्ट ऑफ CRO होता है, जैसे कि पता है CRO का हृदय। तो वहीं से हम लोग देखेंगे वन बाई वन। सो ये हम लोगों ने देखा था हीटर था, देन हम लोगों ने देखा था यहाँ कैथोड है, देन हम लोगों ने देखा था यहाँ कंट्रोल ग्रिड है जो देख रहे हैं। देन यहाँ तीन प्रकार के एनोड थे जो कि देखे थे, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड। देन ये वाई प्लेट है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, और ये एक्स प्लेट है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। ये अपना CRT है और ये अपने स्क्रीन है CRO का, इतना हम लोगों ने देखा था। तो इसका इंटरनल सर्किटरी डायग्राम में जो मेन मेन पार्ट है उसको देख लेते हैं। ये अपना इंटेंसिटी जेड मॉडुलेशन है, जो बेसिकली ये सब के बारे में वन बाई वन देखेंगे। वर्टिकल इनपुट दो प्रकार के हैं, एक और दो प्रकार के, ये सब का उपयोग देखेंगे अभी। तो वर्टिकल इनपुट बेसिकली इसमें एटेन्यूएटर लगा है या वर्टिकल एम्पलीफायर लगा है। तो अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ अगर लो है तो वर्टिकल एम्पलीफायर से उसका स्ट्रेंथ हम लोग रेंज में लाएंगे जो है, ताकि इसको अच्छे से हम लोग देख पाएँ। और अगर उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसको एटेन्यूएट करेंगे ताकि वो रेंज में आए, है ना। तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेट से जुड़ा हुआ है, वाई प्लेट से बेसिकली ये वर्टिकल इनपुट है दो प्रकार के। हॉरिजॉन्टल इनपुट में बेसिकली दो प्रकार के हैं, यहाँ पर वर्टिकल एम्पलीफायर वर्टिकल के लिए और ये हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर दो प्रकार से इनपुट लेगा, एक एक्सटर्नल के रूप से और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इनपुट लेगा। तो ये जो है बाहरी से भी इसमें इनपुट दे सकते हैं और एक इनपुट इंटरनली जो है ये सॉटूथ व्यू जनरेटर है, जैसे कि हम लोगों को पता है लास्ट क्लास में हम लोगों को देखा था टाइम बेस्ड सिग्नल जो होता है रैम सिग्नल हम लोग इससे जनरेट करते हैं। ओके, तो इस टाइप का सिग्नल जनरेट होगा, ओके रैम सिग्नल जनरेट होगा, सॉरी टेस्ट आपके रैम सिग्नल इसमें जनरेट होंगे, इसमें जो आपका सॉटूथ वेव जनरेटर की सहायता से। यहीं पे सिंक्रोनस एम्पलीफायर होता है, जो सिंक्रोनस एम्पलीफायर होता है जो अपना इनपुट सिग्नल होता है और जो इसका जो सॉटूथ वेव सिग्नल होता है इन दोनों को सिंक्रोनाइज करेगा। ये सर्किट देखेंगे लोग सिंक्रोनस एम्पलीफायर। ये सेलेक्टर स्विच होता है, तो सिंक्रोनस एम्पलीफायर दो जो है तीन प्रकार के इनपुट ले सकता है, आइदर इंटरनली INT, आइदर एक्सटर्नली EXT, और एक लाइन इनपुट जो होता है जो पर्टिकुलर बाहर के जो है पावर सप्लाई से हम लोग दे सकते हैं लाइन करके, तीन प्रकार के। ये सातवत वेव शेप जनरेटर जो होता है इससे जुड़ा होता है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, इट इज बेसिकली एक्स प्लेट में जाएगी, है ना। ब्लिंकिंग सर्किट देखेंगे, ब्लिंकिंग सर्किट का क्या उपयोग होता है। ओके, तो बेसिकली जो अपना सातवत वेव होता है उसमें दो प्रकार के टाइम होते हैं, ट्रेस टाइम और रिट्रेस टाइम। ओके, तो देखेंगे इसमें स्वीप टाइम और रिट्रेस टाइम, सॉरी TS और TR, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे अभी। तो इसमें जो अपना स्पॉट होता है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करता है, तो हमको जो स्पॉट होता है उसको मतलब इनविजिबल करना पड़ता है इस टाइम पे, रिट्रेस टाइम पे। ओके, ताकि स्पॉट उसमें जो है दिखाई ना दे करके। कैलिब्रेशन ऑसिलेटर कैलिब्रेट करने के लिए होता है, ओके, टू वर्टिकल इनपुट जो कि वर्टिकल इनपुट में जाता है। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं। यहाँ तीन प्रकार के कंट्रोल देख सकते हैं, इंटेंसिटी कंट्रोल है, फोकस कंट्रोल है और एक्सट्रीम मेजरमेंट, ये एडिशनल फोकसिंग कंट्रोल होता है, एक्सटिगमेटिज्म है ना। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यहाँ माइनस से लेकर प्लस जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के लिए, और ये वर्टिकल एम्पलीफायर के लिए वर्टिकल पोजीशन है। ओके, तो लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 पे जा करके इसका अच्छे से आप डिटेल में वीडियो पढ़ पाएंगे। तो जाएंगे प्लेलिस्ट में, लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर 9 कवर कर लेंगे, तो आपका जो थ्योरी है वो हो जाएगा अच्छे से। प्रिया सिंह, शशांक चौहान, सत्यप्रकाश, राजू कुमार, धनंजय सिंह, सभी का स्वागत है। तो ये है अपना एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम जिसको हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं कि इसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं। द मेन बिल्डिंग ब्लॉक फॉर जनरल पर्पस CRO इज फर्स्ट वन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, वाई प्लेट जिसको बोलते हैं। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इज आल्सो मींस इट इज रिलेटेड टू द वाई प्लेट्स, है ना। दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम, ओके,
तो जिसमें हम लोग टाइप आप स्वीप देंगे, तीन प्रकार के स्वीप जो है, चार प्रकार के स्वीप, फ्री रनिंग स्वीप बोलते हैं, ट्रिगर्ड स्वीप बोलते हैं, नॉन सॉटूथ हुआ वाला होता है, और ड्रिवन स्वीप बोलते हैं। बेसिकली चार प्रकार के स्वीप का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें अपने को स्वीप वोल्टेज देना पड़ता है एक्स प्लेट में, है ना। सिंक्रोनाइजेशन जो इनपुट सिग्नल है और जो एक्स प्लेट वाला जो सिग्नल है, उन दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ओके, देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। तो इंटरनली, एक्सटर्नली और लाइन, तीन प्रकार के जो होता है। सेलेक्टर जो अपना सिंक्रोनाइजेशन सेलेक्टर स्विच जो होता है, ट्रिपल एस, इट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन सेलेक्टर स्विच। ये तीन प्रकार के इनपुट लेगा। ब्लिंकिंग सर्किट क्या होता है उसको देखेंगे। इंटेंसिटी जेड मॉड्यूलेशन आने वाले स्लाइड में है, देखेंगे इसको। देन पोजीशन कंट्रोल, पोजीशन के लिए। फोकस कंट्रोल, फोकस कंट्रोल के लिए। इंटेंसिटी कंट्रोल जो है बेसिकली ग्रिड से रिलेटेड होता है, लास्ट क्लास में देखे थे हम लोगों ने। ग्रिड का पोटेंशियल को बढ़ा करके घटा करके हम इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैलिब्रेशन सर्किट है आप कैलिब्रेट करने के लिए, तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं इसके लिए, कैलिब्रेशन के लिए, है ना। और लास्ट वन में एक्स्ट्रा जो फोकसिंग कंट्रोल है, दैट इज एक्सटिग मेटिज्म जो है अपना, एक्स्ट्रा फोकसिंग कंट्रोल है, एक्स्ट्रा फोकस कंट्रोल के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द 10 बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग ब्लॉक फॉर जनरल पर्पज़ CRO। ये CRO के अंदर कौन कौन से ब्लॉक होते हैं इनके बारे में पता रहना चाहिए। ओके, धनंजय सिंह, दीपचंद प्रजापति, साक्षी तिवारी, करण मिश्रा, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहनी चाहिए ये जो है मुख्य रूप से पता होनी चाहिए। तो 10 हमने बिल्डिंग ब्लॉक देखा है इसमें। ओके, तो देखते हैं वन बाई वन कौन सा ब्लॉक क्या करता है। शुरुआत करते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम से। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम बेसिकली वाई प्लेट्स के एसोसिएटेड होता है। ओके, तो ये अप एंड डाउन के लिए, अप एंड डाउन जो होता है स्पॉट का मूवमेंट, उसके लिए जिम्मेदार होता है ये वाला जो सिस्टम है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। सो सिग्नल्स ऑफ वाई प्लेट्स आर फेड थ्रू एटेन्यूएटर एंड नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज। याद रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई प्लेट में सिग्नल को किसके थ्रू फेड किया जाता है। तो एटेन्यूएटर है अगर सिग्नल के स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, और नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो दोनों प्रकार की अपने पास वैरायटी अवेलेबल है। सिग्नल के स्ट्रेंथ को हम लोग ट्रेस करेंगे कि सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है करके। नंदिता भारद्वाज, अर्जुन यादव, आप सभी का स्वागत। तो हम लोग देखेंगे सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर कम रहेगा तो उसको बढ़ा देंगे एम्पलीफायर की सहायता से, और सिग्नल की स्ट्रेंथ जब ज़्यादा रहेगा तो उसको कम कर देंगे एटेन्यूएटर की सहायता से। तो इसमें दो जो मेन ब्लॉक हैं, एटेन्यूएटर हैं प्लस एम्पलीफायर, दो प्रकार का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। एम्पलीफायर क्या करेगा, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सिग्नल को ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ पैदा करेगा, मीन्स इसका स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। और जो एटेन्यूएटर है वो क्या करेगा, टू सप्रेस हाई वोल्टेज सिग्नल, तो हाई वोल्टेज सिग्नल को क्या करेगा, वो सप्रेस करेगा। तो दो प्रकार के अपने पास सिस्टम है, एम्पलीफायर सिस्टम, एटेन्यूएटर सिस्टम। सो वर्टिकल एम्पलीफायर आउटपुट इज ऑल्सो फेड टू द सिंक्रोनाइजेशन एम्पलीफायर। हम लोगों ने देखा भी जो सिंक्रोनाइजेशन सेलेक्टर स्विच था उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं इन द इंटरनल पोजीशन। तो इसका उपयोग इंटरनल पोजीशन के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। ये इंटरनल, ये इंटरनल था, ठीक। ये वर्टिकल एम्पलीफायर चाहे इंटरनल वाला जो लाइन है, ये सेलेक्टर स्विच। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। फुली समझ में आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए जा सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट पे, और लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 को पढ़ सकते हैं। दूसरा सिस्टम है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू द एक्स प्लेट्स एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेस टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सॉरी दैट इज लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट के जो मूवमेंट है उसके लिए उत्तरदायी होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। सो द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर फेड बाई ए स्वीप वोल्टेज दैट प्रोवाइड द टाइम बेस वोल्टेज। इस वोल्टेज को टाइम बेस बोलते हैं, पता है ये एक प्रकार का रैम सिग्नल होता है जिसको हम लोग इसमें देते हैं। तो ये अपना स्वीप टाइम होता है जहाँ पे स्वीप जाता है, और यहाँ पर रिट्रेस टाइम होता है। ओके, तो दो प्रकार के टाइम होंगे, स्वीप टाइम और रिट्रेस टाइम। देखेंगे इसका भली भांति अध्ययन करेंगे, इसके बाद कंटिन्यूएशन में ये पीरियोडिक सिग्नल होता है। सो दिस इज बेसिकली एक्स प्लेट में दिया जाता है, जिसको टाइम बेस वोल्टेज भी कहा जाता है या स्वीप वोल्टेज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, आपको बस याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट कि इसमें ये स्वीप वोल्टेज है या फिर ये टाइम बेस वोल्टेज है जो कि एक्स प्लेट में दिया जाता है, ये भली भांति याद रहना चाहिए। मंजलि मौर्य, गुड मॉर्निंग। द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर सप्लाइड थ्रू एन एम्पलीफायर, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है ना, बट दे कैन बी फेड डायरेक्टली व्हेन वोल्टेज ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड। तो सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का जब वोल्टेज रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट फेड कर सकते हैं, अगर सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का वोल्टेज नहीं है तो एम्पलीफायर लगाएंगे। सिंपल सा बात है, जैसे कि वर्टिकल में देखा था, अगर मैग्नीट्यूड सिग्नल का कम रहेगा तो एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे, अगर ज़्यादा रहेगा तो एटेन्यूएटर का प्रयोग करेंगे। तो अगर सफिशिएंट है उसका प्रयोग तो डायरेक्टली फीड कर सकते हैं, अगर सफिशिएंट नहीं है तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू जाएगा सिग्नल, तो अब उसको स्ट्रेंथ प्रदान करेगा
जो एम्पलीफायर है सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। तो तीन प्रकार के स्वीप, नॉर्मली चार प्रकार के स्वीप यूज किए जाते हैं। एक को बोलते हैं फ्री रनिंग स्वीप, एक को बोलते हैं नॉन सॉटूथ जिसमें सॉटूथ नहीं होता है, ड्रिवन स्लिप और ट्रिगर्ड स्वीप। चार प्रकार के स्वीप है जिसमें ट्रिगर की सहायता से भी दे सकते हैं। तो चार प्रकार के स्वीप है, टाइप ऑफ स्वीप अगर पूछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आप दीजिएगा चार प्रकार के स्वीप। तो कौन कौन से? फ्री रनिंग, नॉन सॉटूथ, ड्रिवन स्वीप और ट्रिगर स्वीप। तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन सिस्टम। देन मूविंग फॉरवर्ड टू सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। तो सिंक्रोनाइजेशन, जैसे कि मैं बोला कि जो भी एक्स प्लेट पे हम लोग इनपुट देंगे उसका सिंक्रोनाइज होना चाहिए वाई प्लेट के साथ, वाई प्लेट के साथ। तो वाई प्लेट में कौन से इनपुट देंगे? जो सिग्नल को हम लोग मेजर करना चाहते हैं, वोल्टेज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। वोल्टेज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज गिवन टू द वाई प्लेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सी आर ओ। वोल्टेज अंडर इन्वेस्टिगेशन और इनपुट वोल्टेज और इनपुट सिग्नल वी कैन से। सो वाट एवर टाइप ऑफ स्वीप इज यूज टू इट मस्ट बी सिंक्रोनाइज विद सिग्नल बीइंग मेजर्ड। जैसे कि हम लोगों ने देखा चार प्रकार के स्वीप यूज किया जाता है। अगर सॉटूथ वाला ये हम लोग यूज़ करते हैं जो बेसिकली टाइम बेस्ड वोल्टेज हो जाता है, हालांकि चार प्रकार के स्वीप का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जो भी हम लोग यहाँ पे स्वीप यूज़ करेंगे उस स्वीप मल्टीपल होना चाहिए, ये जो है मतलब स्वीप टाइम और रिट्रेस टाइम। तो वाट एवर द टाइप इज स्वीप इज यूज इस मस्ट बी सिंक्रोनाइज विद सिग्नल बीइंग मेजर्ड। तो अगर मैं वाई प्लेट पे कोई सिग्नल दे रहा हूँ, सॉफ्ट जो है साइनोसॉइडल सिग्नल दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तो इस एक्स प्लेट का और इस वाई प्लेट का जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइज होना चाहिए एक ही टाइम पे इस टाइप का। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिर से कर रहा हूँ, ये अपना एक्स प्लेट वाला है टाइम बेस वाला, और ये अपना वाई प्लेट वाला जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए। आइदर 1:1 का रेशियो हो गया दोनों के बीच फ्रिक्वेंसी के बीच, आइदर 1:2 का रेशियो भी हो सकता है। ओके, तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए इन दोनों का जो है एक्स प्लेट और वाई प्लेट का जो भी सिग्नल है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, इसी का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। अदरवाइज अपने को पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। वो जो है जब फ्रीक्वेंसी उसके मल्टीप्लाई में होगा तभी अपने को पैटर्न देखने को मिलेगा। उन दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, किसके किसके बीच? एक्स प्लेट के इनपुट के बीच और वाई प्लेट के इनपुट के बीच। सो सिंक्रोनाइजेशन हैज़ टू बी डन टू ऑब्टेन पैटर्न, अदरवाइज पैटर्न नहीं बन पाएगा। मतलब सीआरओ की स्क्रीन पे जब पैटर्न बनाना है, किसी भी प्रकार का पैटर्न आया, कोई भी पैटर्न आया, कुछ भी दिखा इस टाइप का या इस टाइप का, वाट एवर जो भी टाइप का पैटर्न अपने को देखने को मिलेगा वो तभी देखने को मिलेगा जब एक्स प्लेट और वाई प्लेट का जो सिग्नल है सिंक्रोनाइज रहेगा। सो दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। सो दिस रिक्वायर दैट द टाइम बेस टू बी ऑपरेटेड एट सब मल्टीपल ऑफ द सिग्नल अंडर मेजरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो अपना टाइम बेस है एक्स वाला सिग्नल जो है वो क्या होना चाहिए? सब मल्टीपल होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। तो फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का फ्रिक्वेंसी है ये, तो 1:1 रेशियो है सब मल्टीपल, ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया। दूसरा प्रकार इस टाइप का कुछ है मान लो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना है सिग्नल, चलो ठीक है। तो ये मान लो 2 गुना है ना, तो ये 1:1 हो गया, ये 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। ओके, सो वही लिखा है कि दिस रिक्वायर दैट द टाइम बेस टू बी ऑपरेटेड एट सब मल्टीपल ऑफ सिग्नल अंडर मेजरमेंट। सिग्नल अंडर मेजरमेंट मतलब कौन सा प्लेट? वाई प्लेट। तो वाई प्लेट के सिग्नल को मेजर कर रहे हैं तो ये सिग्नल दे रहे हैं तो इसका 1:1 रेशियो हो गया, ये सिग्नल दे रहे हैं तो 1:2 रेशियो हो गया। तो इस टाइप का होना चाहिए दोनों कि सब मल्टीपल होंगे। इफ द सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट डन द पैटर्न इज नॉट स्टेशनरी। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो पैटर्न अपने को स्टेशनरी देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंक्रोनाइजेशन के कितने सोर्स हैं? एक इंटरनल थ्रू वर्टिकल एम्पलीफायर, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रिगर सर्किट से, और एक लाइन जिसको हमने बोला था पावर सप्लाई ऑफ सीआरओ से। तो तीन प्रकार के हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के सोर्स हो सकते हैं। यह भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि सिंक्रोनाइजेशन के कितने सोर्स हो सकते हैं। सो द आंसर विल बी 3, इंटरनल एक्सटर्नल लाइन। याद रखेंगे आप लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंक्रोनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं ब्लैंकिंग सर्किट। तो ब्लैंक आउट कर देता है, जो स्पॉट है वो ब्लैंक आउट हो जाता है। तो इसमें ये जो है अपना एक्स प्लेट वाला वोल्टेज है, ये अपना वोल्टेज है, ये अपना टाइम पीरियड है। ये TS को बोलते हैं स्वीप टाइम, देखिए वो यहाँ से यहाँ तक पीक तक गया, और इसको बोलते हैं अपना रिट्रेस टाइम, ठीक है। तो द टिपिकल सॉटूथ वेवफॉर्म अप्लाइड टू हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ सीआरओ। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे या एक्स प्लेट पे इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये वेवफॉर्म देख लिए पहला। दूसरा देखो TS क्या होता है। TS द बीम मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ स्क्रीन। यहाँ पे बीम है, तो बीम ये अपना लेफ्ट साइड हो गया, ये अपना राइट साइड हो गया। तो बीम इस टाइम पे लेफ्ट से लेकर के राइट में मूव करता है, लेफ्ट से लेकर के राइट में मूव। किसके दौरान? TS के दौरान। लिखा हुआ है TS द टाइम मूव द बीम सॉरी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ स्क्रीन। लेफ्ट से राइट साइड, ये CRO के स्क्रीन है, समझिए CRO स्क्रीन। तो TS टाइम पे जो बीम है या स्पॉट है वो लेफ्ट से लेकर के राइट में मूव करता है। और TR क्या है? द बीम रिटर्न क्विकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसमें बीम क्या है?
इधर क्विकली रिटर्न करेगा, तुरंत एकदम तुरंत तुरंत रिटर्न कर देगा। ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ये आपके जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी थ्योरी के बेसिस पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जो भी थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको जो है आराम से पढ़ लें, एक बार दो बार जितने भी समझ में आए, है ना, रिपीट कर लें आप। तो टी आर जो है द बीम रिटर्न क्विकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, सॉरी राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट अपना किस टाइम पे, टी आर के टाइम, ओके। तो अगर मैं टी आर को जीरो कर दूँ, ये कंडीशन ले रहा हूँ, इफ टी आर इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, जो अपना बीम है वो इनविजिबल हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, ओके। बीम इनविजिबल हो जाएगा मतलब राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ जब मूव करेगा तो इसको दिखाई नहीं देगा, समझ लो ब्लैंक आउट हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा, ये वाला चीज़। अगर टी आर इक्वल टू जीरो है, ये टी आर में हो रहा है, तो टी आर इक्वल टू जीरो जब कर देंगे तो बीम अपने को दिखाई नहीं देगा, केवल लेफ्ट टू राइट वाला दिखाई देगा, मतलब दिखाई देगा, राइट टू लेफ्ट वाला दिखाई नहीं देगा। लेकिन टी आर इक्वल टू जीरो एक्चुअली होता नहीं है आइडियली अगर देखा जाए तो, टी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो आइडियल केस, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे कि टी आर इक्वल टू जीरो हो जाए, द रिट्रेस इज ब्लैंक्ड आउट, अपना ट्रेस टाइम है, स्विप टाइम है और रिट्रेस टाइम है, सो द रिट्रेस इज ब्लैंक आउट बाय अप्लाइंग ए हाई नेगेटिव वोल्टेज टू ग्रिड। तो रिट्रेस को ब्लैंक आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ग्रिड में एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जब ग्रिड में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो टी आर इक्वल टू जीरो अपने को मिल सकता है। सो ड्यूरिंग टी आर द ब्लैंकिंग वोल्टेज इज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय स्विप जनरेटर, है ना। तो ब्लैंकिंग वोल्टेज को ट्रिगर करने के लिए स्विप जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, यह दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो स्विप जनरेटर यूज फॉर ट्रिगरिंग ब्लैंकिंग वोल्टेज, तो ब्लैंक आउट कर देना जो बीम है उसको, ब्लैंक आउट कर देना कहाँ से कहाँ तक, राइट से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैंकिंग सर्किट। अब 5, 6, 7, 8 देखते हैं। 5 नंबर में अपना इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन, जेड एक्सिस मॉड्यूलेशन इसको बोला जाता है, इसका टेक्निकल टाइम है जेड एक्सिस मॉड्यूल, इसका टेक्निकल नाम है जेड एक्सिस मॉड्यूलेशन। सो इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन इज डन बाय इंसर्टिंग ए सिग्नल बिटवीन ग्राउंड एंड कैथोड। तो ग्राउंड और कैथोड के बीच हम लोग जब सिग्नल वो करते हैं तो इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन उसके द्वारा किया जाता है। सो जेड एक्सिस इज अप्लाइड ड्यूरिंग नॉर्मली विजिबल पोर्शन ऑफ द ट्रेस, इट कैन बी व्यूड फॉर ब्राइटनिंग द डिस्प्ले। तो इसका मेन प्रयोग क्या है, डिस्प्ले को ब्राइटन करना, डिस्प्ले को ब्राइट करना, द मेन पर्पज ऑफ दिस इंटेंसिटी जेड मॉड्यूलेशन इज ब्राइटनिंग द डिस्प्ले। सो दिस इज द इंटेंसिटी जेड कंट्रोल। 6, 1 पोजिशन कंट्रोल। सो पोजिशनिंग कंट्रोल में क्या होगा, बाई अप्लाइंग स्मॉल इंडिपेंडेंट इंटरनल डीसी वोल्टेज टू डिफ्लेक्शन प्लेट एंड कंट्रोल इज डन बाई यूजिंग पोटेंशियोमीटर। जैसे कि बोला था मैंने कि पोजिशन कंट्रोल के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करेंगे, तो पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को क्या करेगा, अदर अप करेगा या अदर जो है डाउन करेगा, इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा वोल्टेज को। तो स्मॉल इंडिपेंडेंट इंटरनल डीसी वोल्टेज हम लोग किस में देंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट में। फोकस कंट्रोल, सो चेंजिंग द पोटेंशियल ऑफ फोकसिंग एनोड, तो फोकसिंग एनोड के पोटेंशियल को चेंज करके हम लोग फोकस कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि फोकसिंग एनोड का काम होता है। इंटेंसिटी कंट्रोल, सो इंटेंसिटी कंट्रोल पोटेंशियोमीटर विच चेंजेस द ग्रिड पोटेंशियल, ओके। जैसे कि उस दिन देखे थे फर्स्ट वाले क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ग्रिड के पोटेंशियल को चेंज करना पड़ता है, ग्रिड के थ्रू इंटेंसिटी कंट्रोल होता है। सो द ग्रिड पोटेंशियल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, जो ये ग्रिड पोटेंशियल था वो क्या करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन बूंद से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये बीम है, इलेक्ट्रॉनों का बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ पे ग्रिड था तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं, वही लिख रहा है कि द ग्रिड पोटेंशियल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग द कैथोड एंड दस कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द बीम, बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, ओके। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सी आर ओ। 9वां नंबर था कैलिब्रेशन सर्किट। सो लेबोरेटरी ऑसिलोस्कोप नॉर्मली हैव एन इंटरनली जनरेटेड एंड स्टेबलाइज वोल्टेज ऑफ नॉन एम्पलीट्यूड विच इज यूज फॉर कैलिब्रेशन प्रोसेस, जिसको कैलिब्रेशन प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है। यूजुअली कैलिब्रेशन वोल्टेज है स्क्वायर वेव फॉर्म, इसको याद रखेंगे कि कैलिब्रेशन वोल्टेज के लिए कौन सा वेव फॉर्म प्रयोग करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। सो द आंसर इज स्क्वायर वोल्टेज, स्क्वायर वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। एस्टिगमेटिज्म, सो एडिशनल फोकसिंग कंट्रोल है जैसे हम लोगों ने बोला था, सो द एस्टिगमेटिज्म इज कॉल्ड एडिशनल फोकसिंग कंट्रोल। सो दिस इज यूज टू करेक्ट एन इफेक्ट विच एनालॉगस टू एस्टिगमेटिज्म इन ऑप्टिकल लेंसेज। तो जो ऑप्टिकल लेंसेज में एस्टिगमेटिज्म जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस सीआरओ में भी किया जाता है। सो एडिशनल फोकसिंग कंट्रोल इज डन यूजिंग एस्टिगमेटिज्म प्रोसेस। सो दिस इज यूज टू करेक्ट एन इफेक्ट विच इज एनालॉगस टू द एस्टिगमेटिज्म इन ऑप्टिकल लेंसेज। सो इन केस ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज वी आर यूजिंग द एस्टिगमेटिज्म प्रोसेस।
सो दैट इज यूज फॉर एडिशनल फोकसिंग कंट्रोल, याद रखेंगे इसको. सो दिस इज ऑल अबाउट द सी आर ब्लॉक डायग्राम, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ ट्रिगर्ड स्वीप ऑस्किलोस्कोप, ये सेकेंड टॉपिक है. आई होप सी आर ओ समझ में आया होगा, आई होप सी आर ओ का ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा. इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाएंगे 10 मिनट के बाद. प्लीज़ कमेंट बॉक्स को प्रयोग जो है प्रयोग करें, सी आर ओ में कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आया होगा तो यूज़ योर कमेंट बॉक्स डियर स्टूडेंट्स. बताएं कुछ अगर दिक्कत परेशानी हो तो. सी आर ओ का ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा आई थिंक, यस ठीक है. मंजलि मौर्य, पवन शर्मा, ओके ओके ठीक है. चलिए ठीक है. कावेरी प्रजापति, सी आर ओ की यूज़ बताइए सर. सी आर ओ तुम्हारे लैब में होगा सेकेंड ईयर में, जब आप लोग जाएंगे तब आप लोग देखेंगे. थर्ड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप कावेरी प्रजापति, उसमें आपको पता चल जाएगा. सी आर ओ में हम वेब फॉर्म देखते हैं, डिफरेंट वेब फॉर्म, और उसको मेजर करते हैं. सी आर ओ इज बेसिकली ए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फंक्शन जनरेटर की सहायता से हम लोग इनपुट के तौर पे कुछ सिग्नल्स देंगे, उस सिग्नल का वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब मेजर करेंगे. सी आर ओ इज बेसिकली लैब इंस्ट्रूमेंट, यस कावेरी प्रजापति. थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को क्लियर हो जाएगा. प्रेजेंटली यू आर इन सेकेंड सेमेस्टर, ओके. आपका ईगरनेस बहुत अच्छा है, वेरी गुड. चलिए समझ में आएगा आप लोग को. चलिए मूव करते हैं ट्रिगर स्वीप ऑस्किलोस्कोप को. जो सेकेंड ईयर के बच्चे ज्वाइन नहीं किए उनको बोलिए ज्वाइन करें करके. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है जस्ट 10 मिनट में. आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में शेयर कर दें, ज्वाइन कर लें. प्रैक्टिस ज़रूरी है आप लोग का, अदरवाइज स्कोर नहीं कर पाएंगे अच्छे से. आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी सेशन मिलता है आपको यूट्यूब के माध्यम से, बुक के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, उसको वेरीफाई करते हुए अच्छे से ज्वाइन कीजिए. ज्वाइन करके प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है. चलिए फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिगर्ड स्वीप ऑस्किलोस्कोप. तो ट्रिगर्ड स्वीप ऑस्किलोस्कोप में वर्टिकल एम्पलीफायर है, ओके. ऑस्किलोस्कोप जिसमें ट्रिगर्ड स्वीप का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसमें ट्रिगरिंग सर्किट यूज़ करेंगे. वर्टिकल एम्पलीफायर है, वर्टिकल एम्पलीफायर में वर्टिकल इनपुट देंगे. वर्टिकल इनपुट मतलब जो सिग्नल हम लोग मेजर करना चाहते हैं, वी कैन से इनपुट सिग्नल देंगे इसमें वर्टिकल में, ओके. तो ये वर्टिकल इनपुट वाई प्लेट है, देख पा रहे हो, ये प्लेट वाई प्लेट है, और ये दूसरा प्लेट है, एक्स प्लेट है आपका, एक्स प्लेट. तो एक पोर्शन ग्राउंडेड है, एक पोर्शन ग्राउंडेड है दोनों का. एक पोर्शन में आपका वर्टिकल एम्पलीफायर जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जुड़ा हुआ. सिंपल सा बात, स्वीप जनरेटर है, स्वीप होगा, यहाँ से स्वीप जाएगा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में. ये अपना स्वीप है, ये अपना स्वीप था, ट्रिगर स्वीप, ओके. ट्रिगर जनरेट करने के लिए इसमें हम लोग दो प्रकार के सर्किट के यूज़ करेंगे ट्रिगर स्वीप के लिए. इसमें ट्रिगर का और आरसी डिफरेंशिएटर का, दोनों की सहायता से हम लोग ट्रिगर जनरेट करेंगे, ट्रिगर स्वीप. सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑस्किलोस्कोप विद ट्रिगर स्वीप. तो इस प्रकार के में ऑस्किलोस्कोप में हम लोग ट्रिगर स्वीप का प्रयोग करते हैं. ट्रिगर स्वीप को जनरेट करने के लिए इसमें ट्रिगर और आरसी डिफरेंशिएटर का प्रयोग करेंगे. पावर सप्लाई, यहाँ पे पावर सप्लाई से लाइन जुड़ा हुआ है, देखिए. और एक्सटर्नली रूप से एक्सटर्नल ट्रिगर और एक इंटरनल ट्रिगर, ओके. तो तीन प्रकार के अपने को इसमें देखने को मिलेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल और ये सेलेक्टर स्विच है. SS के मतलब सेलेक्टर स्विच. तो सेलेक्टर स्विच जो है तीन प्रकार की इनपुट लेगा, लाइन लेगा, इंटरनल लेगा या एक्सटर्नल लेगा. तो ये अपना ट्रिगर सर्किट. स्वीप जनरेटर, यहाँ पे स्वीप जनरेट करेगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हॉरिजॉन्टल प्लेट में जाएगा. सो दिस इज द बेसिक अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑस्किलोस्कोप, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑस्किलोस्कोप विद ट्रिगर स्विप, ओके. आगे मूव करते हैं, इसको और बेहतर से जानकारी करना है, बेहतर से और जो है समझना है, लेक्चर नंबर 9 पे जाइए प्लेलिस्ट में, EIM के प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 9 पे जा करके आप इसको देख सकते हैं. तो देखिए ट्रिगर स्वीप ऑस्किलोस्कोप के बारे में और कुछ कुछ देखते हैं. सो द ट्रिगर स्वीप जो सर्किट में रिसीव इनपुट फ्रॉम, हम लोग देखे इंटर जो एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल सोर्स से, इंटरनल इनपुट फ्रॉम वर्टिकल एम्पलीफायर एंड लाइन फ्रॉम लो एम्पलीट्यूड एंड सिग्नल पावर सप्लाई से. सो वन टाइप ऑफ सर्किट यूज फॉर ट्रिगर सर्किट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मिथ ट्रिगर एंड आर सी डिफरेंशिएटर, जो कि हम लोगों ने देखा अभी. तो एक प्रकार का जो सर्किट जो ट्रिगर स्वीप के लिए प्रयोग होता है वो होता है अपना स्मिथ ट्रिगर और आर सी डिफरेंशिएटर.
तो बेसिकली इसमें ट्रिगर क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा किसको, इनपुट सिग्नल को, इन दिस केस फ्रॉम वर्टिकल एम्पलीफायर विद ए वोल्टेज पॉइंट इन द सर्किट, उन दोनों को क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने के बाद दो प्रकार के थ्रेशोल्ड होते हैं, अपर थ्रेशोल्ड, लोअर थ्रेशोल्ड। अगर स्मिथ ट्रिगर देखा होगा, आई थिंक हाँ आप लोगों ने पढ़ चुका है ईडीसी में, स्मिथ ट्रिगर पढ़ा है आप लोगों ने ईडीसी में, है ना। तो व्हेन द इनपुट वोल्टेज एक्सीड द वोल्टेज इज बीइंग मेजर्ड, जब इनपुट वोल्टेज जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसे एक्सीड करेगा, द सर्किट चेंजेस इज स्टेट, सर्किट अपना स्टेट चेंज करेगा, विच मीन्स आउटपुट गोज टू हाई स्टेट, मतलब आउटपुट हाई स्टेट में जाएगा। सो द पॉइंट एट विच दिस अकर इज कॉल्ड यूटीपी, अपर ट्रिगर पॉइंट, यूटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी पूछ सकता है, अपर ट्रिगर पॉइंट। ठीक, ओके, ठीक है पवन विश्वकर्मा, धनंजय सिंह, आप लोगों ने ईडीसी में जरूर पढ़ा है ट्रिगर स्विच जनरेटर मीन्स स्मिथ ट्रिगर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। सो व्हेन इनपुट वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो ए सर्टेन लेवल कॉल्ड ए लोअर ट्रिगर पॉइंट, ये तो पढ़ ही चुका है आपने, अपर ट्रिगर पॉइंट, लोअर ट्रिगर पॉइंट। द स्मिथ ट्रिगर आउटपुट रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेवल एंड दस द आउटपुट ऑफ सर्किट इज स्क्वायर वेव, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, कौन सा वेव फॉर्म बना, स्क्वायर वेव फॉर्म बना। एक बार ऊपर गया यूटी एलटीपी नीचे आया तो कौन सा वेव फॉर्म बना, स्क्वायर वेव। सो स्क्वायर वेव यहाँ पे आया, आरसी रिफरेंस सेटर में दी है तो स्पाइक्स बना, दैट इज सुटेबल फॉर ट्रिगरिंग स्वीप जनरेटर। तो यहाँ पे ट्रिगर सर्किट था याद होगा तो दो, और यहाँ पे स्वीप जनरेटर था, और यहाँ पे ओरिजेंटल एम्पलीफायर था। ठीक, तो ये अपना स्मिथ ट्रिगर था अंदर, ये अपना डिफरेंशिएटर था, ये अपना स्वीप जनरेटर। स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट आया स्क्वायर वेव, कोई पूछेगा इसमें ट्रिगर का आउटपुट क्या है, तो स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव को जब डिफरेंशिएटर में देते हैं तो स्पाइक्स निकलता है, पता है डिफरेंशिएटर भी पढ़ चुके हो। स्पाइक्स, जो स्पाइक्स है वो क्या करेगा, वो स्वीप जनरेटर को ट्रिगर देगा, ये ट्रिगरिंग करेगा। तो ये ट्रिगर सर्किट है, ट्रिगर सर्किट में स्पाइक्स निकला, स्वीप जनरेटर है अपना हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाकर के एक्सप्लेट में गया। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द अपर ट्रिगर पॉइंट, यस अपर ट्रिगर पॉइंट एंड लोअर ट्रिगर पॉइंट, टू पॉइंट्स, अपर ट्रिगर पॉइंट, यस यूटीपी एलटीपी, यूटीपी मतलब ऊपर वाला वेव फॉर्म, एलटीपी मतलब नीचे वाला वेव फॉर्म। सो हम लोग को क्या मिला, स्क्वायर वेव मिला, दैट इज वेरी मच बेसिक। ठीक, चलिए रेडी फॉर क्वेश्चन, रेडी फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए दो मिनट का समय लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए एक से दो मिनट ज्वाइन, एक से दो मिनट आपके जो ग्रुप हैं उसमें शेयर कर लें ताकि सभी इससे लाभ ले सकें। 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अपने पास, 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक से दो मिनट का समय ले लें, आप आराम से अपना समय ले लें, नेट वगैरह लाइव वगैरह कर लें, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर लें, स्टूडेंट को शेयर कर लें ताकि सब इससे ज्वाइन करें, ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर लें एक बार। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए एक मिनट देखते हैं, देन उसके बाद शुरुआत करते हैं। जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, जो भी फ्रेंड सर्कल होगा, उसको आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, आप प्लीज़ आप इसमें जो है 20 से 30 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, आपको 30 मिनट लगेगा लमसम, तो 30 मिनट आप जो है स्पेंड कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना नॉलेज को चेक कर सकते हैं, सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम और ट्रिगर स्वीप ऑस्किलोस्कोप का, जो भी आप लोगों ने, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है, हम लोगों ने जो हाफ एन आवर अभी जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी देखा है उसी का निचोड़ है ये। अगर आपने अच्छे से देखा पढ़ा सुना है तो आंसर दे पाएंगे आप लोग। चलिए एक मिनट के बाद शुरू करेंगे, जस्ट 30 सेकेंड लेफ्ट, देन वी विल स्टार्ट। तो ज्वाइन करेंगे एमसीक्यू, यस चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए इन सीआरओ द सिग्नल इन वाई प्लेट्स आर फेड थ्रू, जो सिग्नल है वाई प्लेट का उसको हम लोग किसके थ्रू फेड करते हैं, रेक्टिफायर एम्पलीफायर के थ्रू, एटीन्यूएटर एम्पलीफायर के थ्रू, एटीन्यूएटर रेक्टिफायर के थ्रू, रेक्टिफायर क्लिपर के थ्रू।
रेडी, सीक्वेंस लिखेंगे 1 2 3। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है। ध्यान से सुना होगा तो जो आंसर जरूर दे पाएंगे। टेन सेकेंड लेफ्ट, यस। सो टाइम इज ओवर। सो द आंसर इज एटेन्यूएटर एंड एम्पलीफायर। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सिग्नल के स्ट्रेंथ अगर कम रहता है तो उसको बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, और सिग्नल के स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रहता है तो उसको सप्रेस करने के लिए बेसिकली हम लोग एटेन्यूएटर का प्रयोग करते हैं। सो द आंसर इज एटेन्यूएटर एंड एम्पलीफायर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वन इज बी, इफ यू हैव टेकन वन इज बी देन यू आर राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर टू। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर टू। आप लोग जो है काउंट करते रहेंगे अपना जो आंसर है। चलिए ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। इन ए सी आर ओ द हॉरिजेंटल प्लेट्स आर फेड बाई। हॉरिजेंटल प्लेट्स में क्या फेड किया जाता है? स्वीप वोल्टेज, राइज वोल्टेज, राइज करेंट, पल्स वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज दिया जाता है हॉरिजेंटल प्लेट्स में? हॉरिजेंटल प्लेट्स को कौन सा वोल्टेज दिया जाता है? जी बताएं, हॉरिजेंटल प्लेट्स को कौन सा वोल्टेज दिया जाता है? याद होगा तो, यस आंसर इट। आराम से दो बार क्वेश्चन पढ़ें, देन उसके बाद कंक्लूजन पे जाएं, गलती ना करें। इसी टाइप की जल्दबाजी भी ना करें और गलती भी ना करें। यस टाइम इज ओवर नाउ। सो द आंसर इज यस, दैट इज स्वीप वोल्टेज, है ना? ये एक प्रकार है, उसको स्वीप वोल्टेज बोलते हैं या टाइम बेस वोल्टेज भी बोला जाता है। सो द आंसर विल बी ए। अगर आपने ये पुक किया देन यू आर राइट। राइज वोल्टेज टाइप का कुछ नहीं होता है अमित यादव, ध्यान से सुनेंगे, आंसर देंगे, दो बार पढ़ लेंगे। ओके चलिए ठीक है, काउंट करते रहें कि दो में कितना आया है। अगर टू आउट ऑफ टू चल रहा है दैट इज वेरी गुड। ओके अगर 1/2 चल रहा है देन आगे जो है और ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/2 चल रहा है, कई लोग का बी आंसर था, 1/2 चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 2/2 चल रहा है देन वेरी गुड। चलिए ठीक करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। इन सी आर ओ इफ ब्लैंक इज नॉट डन, अगर नहीं किया जाता है, क्या चीज़ नहीं किया जाता है? द पैटर्न इज नॉट स्टेशनरी, तो उसमें पैटर्न स्टेशनरी नहीं रहेगा। किसके बिना पैटर्न स्टेशनरी नहीं रहता है? फ्रिक्वेंसी बेस, फेज बेस, टाइम बेस, सिंक्रोनाइजेशन। इन सी आर ओ इफ ब्लैंक इज नॉट डन द पैटर्न इज नॉट स्टेशनरी, पैटर्न स्टेशनरी नहीं होता है। अगर क्या नहीं किया जाता है तो पैटर्न स्टेशनरी नहीं होता है। जी जवाब देंगे, भली भांति थ्योरी को पढ़ना जरूरी है किसी भी टॉपिक में अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में परफॉर्म करने के लिए। तो जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं उसको अच्छे से भली भांति पढ़ लें, एक बार नहीं दो बार नहीं, रिवाइज कर लें 2-3 बार, तो आपके ब्रेन में अच्छे से वो फीड होगा, तो आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको पता ही रहना चाहिए, अदरवाइज आंसर देने में तकलीफ होगा। अच्छा, गाड़ी
यस स्लिट सी द आंसर। हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट, एक सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट देखा था कि जो भी अपना एक्स प्लेट वाला जो भी सिग्नल है और वाई प्लेट वाला जो भी सिग्नल है, ये दोनों के बीच में फ्रिक्वेंसी सब मल्टीपल होना चाहिए, अदर ये हो सकता है, ये हो सकता है, वट एवर। ओके, तो इसको देखा था। तो सिंक्रोनाइजेशन अगर होता है तो पैटर्न स्टेशनरी मिलता है, और नहीं होता है तो पैटर्न स्टेशनरी नहीं मिलेगा। वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट सोर्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन सी आर ओ। तो सी आर ओ का जो सिंक्रोनाइजेशन का सोर्स है, इनमें से कौन सा नहीं है? लाइन नहीं है, इंटरनल नहीं है, फ्रेम नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है। जी जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 4। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जवाब देंगे। सिंक्रोनाइजेशन सेलेक्टर स्विच जो था उसमें 3 इनपुट लिए थे, याद होगा, तो इसमें चौथा क्या नहीं है? चौथा क्या नहीं है इसमें, ध्यान देंगे आप लोग। यस 15 सेकेंड लेफ्ट, डू इट। यस लेट्स सी द आंसर। 3 प्रकार के हम लोगों ने इनपुट देखा था, लाइन देखा था अपना, एक्सटर्नल देखा था, इंटरनल देखा था, और क्या देखा था, लाइन देखा था पावर सोर्स से, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन था। ओके, याद होगा तो। सो द आंसर इज फ्रेम, जो कि सिंक्रोनाइजेशन का सोर्स नहीं है, जो कि सिंक्रोनाइजेशन का फोर्स नहीं है। ओके ठीक। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, इन सी आर ओ सिंक्रोनाइजेशन हैज़ टू बी डन टू ऑब्टेन। सिंक्रोनाइजेशन क्यों किया जाता है सी आर ओ में? व्हाट इज द नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? पावर के लिए, एनर्जी के लिए, करंट के लिए, पैटर्न के लिए? इन सी आर ओ सिंक्रोनाइजेशन हैज़ टू बी डन टू ऑप्टेन। क्या ऑप्टेन करना पड़ता है सी आर ओ में? सिंक्रोनाइजेशन करके हम क्या ऑप्टेन करते हैं? जवाब देंगे सिंक्रोनाइजेशन का पर्पस क्या है। यस लेट्स सी द आंसर। सो द आंसर इज पैटर्न। तो सिंक्रोनाइजेशन हैज़ टू बी डन टू ऑप्टेन पैटर्न, है ना? पैटर्न को ऑप्टेन करने के लिए हम लोग को सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है, जो कि बेसिकली एक्स प्लेट और वाई प्लेट के सिग्नल के थ्रू होता है, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, इन सी आर ओ द ब्लैंकिंग वोल्टेज इज यूजली ट्रिगर्ड बाई। ब्लैंकिंग वोल्टेज इज यूजली ट्रिगर्ड बाई। ब्लैंकिंग वोल्टेज किसके द्वारा ट्रिगर किया जाता है? कैथोड, स्वीप जनरेटर, ग्रिड, एलसीडी। एनसीआरओ द प्लैंकिंग वोल्टेज इज यूजली ट्रिगर्ड बाय, व्हाट इज द आंसर ऑफ 6? वेरी गुड प्रशांत दुबे, गौरव राजा, धनंजय सिंह, नमन राजभर। पढ़ते रहिए ऐसे ही। वेरी गुड, गुड गोइंग। ट्राई करें 6 नंबर। अर्जुन यादव, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लें, किसी टाइप का कोई गलती ना करें। दीपचंद प्रजापति आल्सो, रीड ट्वाइस एंड गिव आंसर। किसके द्वारा ट्रिगर किया जाता है? नाम उसका पता है, टर्मिनोलॉजी बस पता रहना चाहिए। यू कैन आंसर।
यस, लेट्स सी द आंसर। सो द आंसर इज स्वीप जनरेटर। देखे थे हम लोग स्वीप जनरेटर के प्रयोग किए थे। ओके ठीक, काउंट करते रहे हैं, सिक्स में कितना हुआ है करके। वी आर मूविंग फॉरवर्ड, नाइन रेस्ट, नौ क्वेश्चन और है, नाइन मोर क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वेरी गुड, गुड गोइंग। सेवंथ वन, इन सी आर ओ इंटेंसिटी मॉडुलेशन इज डन बाय इंसर्टिंग ए सिग्नल बिटवीन। इंटेंसिटी मॉडुलेशन को करने के लिए किसके किसके बीच सिग्नल दिया जाता है। दिस वन एंड दिस वन। इंटेंसिटी मॉडुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किसके बीच सिग्नल दिया जाता है। ग्रिड और एनोड के बीच, ग्रिड और कैथोड के बीच, एनोड और कैथोड के बीच, ग्राउंड और कैथोड के बीच। ध्यान दिया होगा तो आंसर जरूर दे पाएंगे थ्योरी में, अगर कंसंट्रेट किया हुआ तो। इंटेंसिटी मॉडुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किसके बीच सिग्नल इंसर्ट किया जाता है। ट्राई टू आंसर। सेवंथ वन याद कीजिए क्या था आंसर। यस, अलग अलग आंसर देखने को मिल रहा है, बी भी है, डी भी है। ध्यान दीजिए किसके किसके बीच था। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था ग्राउंड और कैथोड, यू कैन सी द स्लाइड। ग्राउंड और कैथोड के बीच हम लोगों ने अप्लाई किया था वोल्टेज इंटेंसिटी मॉडुलेशन के लिए। सो दैट विल बी ग्राउंड एंड कैथोड। यस प्रशांत दुबे, वेल डन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर एट, इन सी आर ओ फोकस कंट्रोल इज डन बाई। फोकस कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है। चेंजिंग पोटेंशियल ऑफ फोकसिंग एनोड, चेंजिंग पोटेंशियल ऑफ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, चेंजिंग पोटेंशियल ऑफ कैथोड, चेंजिंग पोटेंशियल ऑफ एक्सेलरेटिंग एनोड। आंसर दें। गिव आंसर फॉर एट्थ वन। फोकस कंट्रोल के लिए कौन सा एनोड उत्तरदायी था। याद कीजिए, याद आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, डू इट। यू कैन आंसर, डू इट। फोकस कंट्रोल के लिए कौन सा एनोड उत्तरदायी होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी द आंसर। सो द आंसर विल बी यस, सो द आंसर विल बी फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड क्या करेगा, फोकस को कंट्रोल करेगा। सो द आंसर इज ए, फोकसिंग एनोड। सो सेवन मोर क्वेश्चन, काउंट करते रहें कितना आपने ऑप्टेंड किया है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। नाइन्थ वन देखते हैं, नवा नंबर। इन सी आर ओ द इंटेंसिटी कंट्रोल इज डन बाई ग्रिड पोटेंशियल, कैथोड पोटेंशियल, प्रोटॉन गन, एनोड पोटेंशियल। किसके पोटेंशियल के द्वारा इंटेंसिटी कंट्रोल किया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन। द इंटेंसिटी कंट्रोल इज डन बाई विच वन। दो बार पढ़ ले निकिता गुप्ता अच्छे से, आपका आंसर डिफर कर रहा है। निकिता गुप्ता, रीड ट्वाइस एंड गिव आंसर। इसको प्रैक्टिस में लाएं अपने तो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। हमारी बात सुन पा रहे हैं अगर निकिता गुप्ता, दो बार पढ़ें उसके बाद जवाब दें, तब अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे।
ओके निकिता गुप्ता, वेरी गुड, वेल डन, बेस्ट विशेस। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, परफॉर्म करें, देन अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से रिजल्ट आएगा। ओके, तो द आंसर विल बी ग्रेट पोटेंशियल। इसको फर्स्ट क्लास में भी देखे थे, सीआरटी वाला क्लास। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वाला क्लास तो जाकर के देख लें, सीआरटी वाला भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुका है। तो चैनल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो प्लेलिस्ट है उस पर जाएँ और जा करके आप देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा EIM का CRT वाला पार्ट। उसको आप लोग जरूर से एक बार पढ़ लें, वो आपका बेसिक क्लियर कर देगा जो है CRO का। वेरी गुड। चलिए, 10th वन, इन CRO एडिशनल फोक्सिंग कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? एडिशनल फोक्सिंग कंट्रोल इज डन यूजिंग, अगर फोक्सिंग कंट्रोल एडिशनल करना है और जो है एड करना है फोक्सिंग में, तो क्या करेंगे? सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, स्वीप जनरेटर, ब्लैंकिंग सर्किट, एक्सटिगमेटिज्म। याद कीजिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, एडिशनल फोक्सिंग कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है CRO में? जूनियर इंजीनियरिंग और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेसिस के लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण है, ये जो क्वेश्चन का सीरीज है। आप भली भांति पढ़ लें, इसके जो भी इंपॉर्टेंट जो ब्लॉक हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें, ब्लॉक डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम में जो भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसको और डिटेल्स में अगर जानना है तो लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में है चैनल के, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट करके प्लेलिस्ट है, उस पे जा करके देख सकते हैं वन बाय वन सबको। थ्योरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन आप अच्छे से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अमन राजभर, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, देन उसके बाद कंक्लूजन में जाएं, किसी टाइप का संशय ना रखें मन में। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर था स्टिगमेटिज्म, 10वां नंबर ब्लॉक था, याद होगा तो इसको 10 ब्लॉक में बांटा गया था, मेन बिल्डिंग ब्लॉक में। 10वां नंबर जो ब्लॉक है स्टिगमेटिज्म, बेसिकली इसका जो फीचर है वो है एडिशनल फोक्सिंग कंट्रोल। ठीक, द टेक्निकल टर्म इज दैट इज एडिशनल फोक्सिंग कंट्रोल। ओके ठीक है, 11 नंबर चलते हैं, इन ट्रिगर स्वीप ऑसिलोस्कोप द ट्रिगर सर्किट इज कॉम्बिनेशन ऑफ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर जूनियर इंजीनियरिंग और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ट्रिगर स्वीप ऑसिलोस्कोप में ट्रिगर सर्किट के बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें ट्रिगर इंटीग्रेटर, इसमें ट्रिगर डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर, इसमें ट्रिगर एंड कैथोड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कीजिएगा किसका किसका प्रयोग किए थे, ध्यान से याद कीजिएगा, गलती नहीं करना है। अर्जुन यादव, भली भांति क्वेश्चन पढ़ लें, गलती ना करें किसी टाइप का। आपकी जल्दबाजी आपके आंसर को गलत कर सकती है, किसी टाइप की जल्दबाजी आपके आंसर को गलत कर सकती है। धीरे चलिए, सुरक्षित पहुंचिए, तो उसी टाइप का अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लें क्या पूछ रहा है उसको, देन उसके बाद उस कंक्लूड करें आंसर के ऊपर, तब आंसर के सही होने की प्रायिकता ज़्यादा होगी। इसको बेहतर तरीके से अप्लाई करें इस कॉन्सेप्ट को, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ये डेमो सेशन चल रहा है, एग्ज़ाम में जो टाइम है, एग्ज़ाम में फिर नहीं मिलेगा, जो गलतियाँ हैं उनसे आप सीखें ज़रूर। सो क्या था उसमें, इसमें ट्रिगर और RC डिफरेंशिएटर था, इसमें ट्रिगर से अपने को आउटपुट मिल रहा था स्क्वायर वेव, याद होगा तो ये, और यहाँ पे डिफरेंशिएटर था RC डिफरेंशिएटर, यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा था, स्पाइक्स मिल रहा था, जिसको हम लोग किस में दे रहे थे, स्वीप जनरेटर में, ये था। दृष्टिपटल पे अपने जो है इसको मस्तिष्क में थोड़ा सा लोड कर लें। ओके, इसको डाउनलोड करके रखें, बाद में अपलोड करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को डाउनलोड कर लो पूरा। ओके, ब्रेन में डाउनलोड कर लो, देन उसके बाद अपलोड करना बाद में, जब ज़रूरत पड़े तब, जो डाटा ज़रूरत पड़े उसको फिर अपलोड करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपस में आप लोग कर करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, यहाँ पे एक आपको प्रैक्टिस मिल रहा है। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, गैंग बनाए, एक ग्रुप स्टडी बोला था उस दिन मैं, ग्रुप स्टडी,
सेमेस्टर परीक्षा का मंथन जो है उसमें अवेलेबल है चैनल पे, जा करके उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें 10 पॉइंट 11 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, तो ग्रुप स्टडी कीजिए, ग्रुप स्टडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइए, आपस में शेयर कीजिए। ओके, चलिए इसको जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप लोग जो है 5 का 6 का 7 का 10 का गैंग बना सकते हैं। गैंग बना के गूगल मीट में हो जाएगा, गूगल मीट में आप लोग ऑनलाइन हो जाइए, इधर जूम में ऑनलाइन हो जाइए, जियो मीट में ऑनलाइन हो जाइए, टीम में ऑनलाइन हो जाइए, जो भी प्लेटफॉर्म मिले आप लोग को। तो इसको आप बेहतर तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं। शेयर एंड केयर, ओके, यू कैन शेयर एंड यू कैन केयर योर डियर वन। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसको आप केयर कर सकते हैं, शेयर एंड केयर। ओके, सो दिस इज द टैग लाइन फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन, शेयर एंड केयर। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इन सी आर ओ, पोजिशन कंट्रोल इज डन यूजिंग पोजिशन कंट्रोल, इंटेंसिटी कंट्रोल, पोजिशन कंट्रोल, अलग अलग टर्म है, सिंक्रोनाइजेशन के द्वारा, स्वीप जनरेटर के द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा, एस्टिगमेटिज्म के द्वारा। पोजिशन कंट्रोल के लिए क्या बताया था, याद होगा तो, पोजिशन कंट्रोल इज डन यूजिंग क्वेश्चन आंसर दें 12 नंबर। यस, जवाब देंगे 12th वन, पोजीशन कंट्रोल के लिए किसका उपयोग किए थे। नंदिता भारद्वाज, अंजलि निषाद, इस टाइप की छोटी छोटी गलतियां ना करें आप लोग। बार बार हम बोल रहे हैं कि चीजों को दो बार पढ़ें, जल्दबाजी में गलती हो सकता है आंसर, इस टाइप की गलती ना करें, नहीं तो गलती हो सकता है, फंस सकते हैं आप, रॉन्ग आंसर पे ऊपर जा सकते हैं, दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। जो कॉन्सेप्ट है उसको हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अप्लाई करें, अंजलि निषाद, नंदिता भारद्वाज। अब चेंज ना करें कि आंसर चेंज ना करें, आपने गलत आंसर दे दिया है। अगर आप इस टाइप का जो है करके जाएंगे तो उसके बाद कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा आपको, जैसे हम लोग यहाँ हिंट कर रहे हैं, हम आपको वहाँ पे हिंट करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसका विशेष ध्यान दें। तो यू कैन नॉट चेंज आंसर, आंसर चेंज नहीं कर सकते आप, भली भांति इसको जो है ध्यान रखें आप लोग। चलिए ठीक है, पोटेंशियोमीटर देखा था हम लोगों ने, पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे अपना पोजिशन कंट्रोल होगा। ओके, सो इन सी आर ओ द पोजिशन कंट्रोल इज डन यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वेरी गुड अनंदिता भारद्वाज, इसको गांठ बांध ले थोड़ा सा, है ना, चीज़ों को अच्छे से अपने ब्रेन में अपलोड कर लें, सॉरी डाउनलोड कर लें, सब डाउनलोड करने का है अभी। NCRO यूजुअली कैलिब्रेशन वोल्टेज हैस, NCRO यूजुअली कैलिब्रेटिंग वोल्टेज हैस, कैलिब्रेटिंग वोल्टेज किस टाइप का होता है, बेसिकली स्क्वायर वेव, स्वीप जनरेटर, ट्रायंगुलर वेव, सातुत वेव। सामान्य रूप से कैलिब्रेटिंग वोल्टेज जो है किस टाइप का होता है, उसकी प्रवृत्ति किस टाइप की होती है, स्क्वायर वेव, स्वीप जनरेटर, ट्रायंगुलर वेव, या जो है सातुत वेव, पढ़ें आराम से, पूरा 30 सेकंड का समय लें समझने में, देन उसके बाद कंक्लूजन के ऊपर जाएं। वेरी गुड, सबका एक समान आंसर देखने को मिल रहा है, वेल डन, वेरी गुड।
चलिए ऐसे पढ़ते पढ़ते रहिए। हम लोगों ने देखा था स्क्वायर वेव, यू हैव टेकन स्क्वायर वेव, पूरा मैक्सिमम आप लोगों ने स्क्वायर वेव दिया, ठीक है। तो कैलिब्रेटिंग वोल्टेज के लिए यूजुअली हम लोग स्क्वायर वोल्टेज होता है जो होता है 14 नंबर इन सी आर ओ यूजुअली सिंक्रोनाइजेशन सर्किट आर वी कैन से सिंक्रोनाइजेशन सेलेक्टर स्विच विल टेक ब्लैंक डिफरेंट इनपुट। कितना इनपुट लेता है वो? तीन इनपुट, चार इनपुट, पाँच इनपुट, दो इनपुट। जो सिंक्रोनाइजेशन सेलेक्टर स्विच था उसमें कितने इनपुट थे? मेमोराइज करें देन उसके बाद जवाब दें। सो व्हाट विल बी द आंसर? सो द आंसर विल बी थ्री। तीन प्रकार के सेलेक्टर स्विच में हम लोग इनपुट दिए थे, कौन कौन से था? एक लाइन था, एक एक्सटर्नल था और एक इंटरनल था। तीन प्रकार के इनपुट हम लोगों ने सेलेक्टर स्विच को दिया था, ठीक है। सो द आंसर विल बी थ्री। मूविंग फॉरवर्ड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन सी आर ओ यूजुअली सिंक्रोनाइजेशन सेलेक्टर स्विच, सेम क्वेश्चन आ गया है। ओके ठीक है, द सेम क्वेश्चन इज हियर। ओके 14 में मार्क कर लीजिए आप जो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ 14 यू कैन मार्क। ओके वन क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया है, चलिए एक क्वेश्चन और था वो मिसप्लेस हो गया है, जो कि था कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट किससे रिलेटेड होता है। वर्टिकल प्लेट इज एसोसिएटेड विथ, या वर्टिकल प्लेट नहीं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। ये 15 नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी। ये था अपना एक्स प्लेट, वाई प्लेट, जेड प्लेट, एक्स प्लेट। 15 नंबर आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड राजन कुणजिया, 14 आउट ऑफ 14। रीमा पाल 13-14, अमन राजभर 12-14, मंजलि मौर्या 13-14, दीपचंद प्रजापति 11-14, वेरी गुड राजू कुमार 13-15, 15 नहीं है, 15 नंबर ये है। नंदिता भारद्वाज 12-14, अर्जुन यादव 11-14, आस्था मौर्या 14-14, कावेरी प्रजापति 12-14, प्रशांत दुबे 14-14, अंजलि निषाद 13-14, रीमा पाल। ओके तो ये 15 का क्या होगा? वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम किस प्लेट से एसोसिएटेड होता है? वाई प्लेट्स, एक्स प्लेट्स, जेड प्लेट्स, एक्स प्लेट्स, एस प्लेट्स। ओके तो 15 का आंसर है अपना वाई प्लेट, जैसे कि पता है डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ओके चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ते पढ़ते रहिए। सो दिस इज आउट ऑफ 15 यू कैन मार्क। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द टू डेज क्लास। होपफुली सी आर ओ का ये ब्लॉक डायग्राम और ट्रिगर सुपरऑस्किलोस्कोप समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, कमिंग सून नेक्स्ट लेक्चर। ओके सो हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड कनेक्टेड बाय यूट्यूब चैनल धैर्या क्लासेस। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जा करके डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरी वगैरह है उसको पढ़ लें आप लोग, है ना। और आंसर देने में जल्दबाजी ना करें, हमारा एक एडवाइस है आप लोग को। बेहतर तरीके से दो बार तीन बार क्वेश्चन को पढ़ लें, भली भांति समझ लें, देन उसके बाद आंसर के ऊपर कंक्लूड करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अमन राजभर अदर सब्जेक्ट के भी, अच्छा ऐसे करके होता तो ठीक है, कोशिश करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का। और कौन से सब्जेक्ट के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एक बार। IET, ओके निकिता गुप्ता, लेट्स सी, कोशिश करेंगे हम।
कोशिश करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाने का, ठीक है? IET, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसी में कंटिन्यूएशन में करेंगे हम लोग, देखेंगे वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म मेजर करने का, जो CRO का है, ठीक। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।